हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी रेसिपी। और बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। तो ये देखिए, 1 कप सूजी लिया है और 1 कप से थोड़ा कम लेंगे शक्कर, तो शक्कर थोड़ा कम ही डालेंगे। अगर मीठा आप खाते तो एक बराबर में ले सकते हैं सूजी और शक्कर। तेल डाल देंगे इसमें 4 से 5 चम्मच और इसे मिक्स कर लें अच्छे से हाथ। तो ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे हाथों से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और डाल देंगे 1 पिंच नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे हल्के हाथों से मिक्स करें, ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करें। और इसमें दूध ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे। जिस तरह का हम केक बनाते हैं इसी तरह का हमें बना लेना है इससे घोल को। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके डालें, एक ही साथ ना डालें। तो ये देखिए, ज़रूरत जितना पड़ेगी उतना ले लेंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके तो ये देखिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है हल्का हाथों से। तो ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, घोल हमारा रेडी है बनके। तो इसे रख देंगे कवर करके 10 से 15 मिनट, ताकि सूजी अच्छे से सेट हो जाए। तब तक इधर मॉल में हमें जमाना है, इसे तैयार कर लेते हैं। तो इसमें तेल डाल के इसे ग्रीस कर ले चारों तरफ से, और इसमें मैदा डाल के इसे डस्ट कर ले, इसे भी चारों तरफ से घुमाते हुए इसे कोट कर ले। तो ये देखिए तैयार है, तो इसे रख देते हैं। तब तक शुगर सिरप बना लेते हैं। तो आधी बाटी मैंने शक्कर लिया और आधी बाटी मैं पानी डालूंगी, जितना शक्कर लिया उतना पानी डाल दे। और इसे गैस को ऑन कर देंगे और इसे उबाल लेंगे। तो 1-2 उबाल आ जाए, इतना ही उबालना है, हमें चाशनी नहीं बनाना है। बस हमें शक्कर को घोल मेल्ट हो जाए और 2 उबाल आ जाए, इलायची पाउडर डाल दे खुशबू के लिए, अच्छा फ्लेवर। आप केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर डाल सकते हैं इसमें। 3 से 4 ड्रॉप नींबू का जूस डाल दे। तो देखिए, शुगर सिरप हमारा बनके तैयार है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं। तो इधर जिसमें हमें बनाना है केक को, तो कढ़ाई को हमें स्टीम कर लेंगे। तो इससे नमक डाल दे कढ़ाई में और इसे लो मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करके रख देते हैं। तो ये देखिए, हमारा सूजी भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे भी हम मिक्स कर लें इस तरह से। अगर गाढ़ा ज़्यादा लगे तो दूध ऐड कर सकते हैं इसमें। तो बराबर है, तो इसे हम डाल देते हैं केक मॉल में। तो इसमें डाल के इसे, तो देखिए, तो सारे बैटर डाल दिया है। तो इसे टेप कर ले और इसे चलते हैं स्टीम करने। तो देखिए, कढ़ाई में इस तरह का एक स्टैंड रख दें, या तो बाटी रख दें और इसके ऊपर ये रख दें और इसे कवर करके पकाएंगे। 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है टाइमिंग। तो चेक कर लेते हैं 15 से 20 मिनट बाद। तो इसे चाकू या टूथपेस्ट से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें चाकू डाल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, एकदम क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। ये देखिए, अच्छे से कुक हो गया है, चाकू हमारा एकदम साफ निकल रहा है। डाल लेते हैं, गैस को ऑफ करते हैं। तो देखिए, मैंने निकाल लिया है इसे और देखिए अच्छे से सेट हो गया है। तो गरम गरम में शुगर सिरप डाल दे, ताकि ये सारे शुगर इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही इजी भी है बनाना इसे। तो देखना, अभी थोड़े टाइम में सारा शुगर सिरप एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये देखिए, शुगर सिरप पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, देख रहे हैं किस तरह से। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से कट कर ले, तो इसी तरह से मैं दोनों साइड से कट कर लूँगी इसको, और शेप में। और इस पर ड्राई फ्रूट लगा दें, आपके पास जो अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट उसे लगा ले। तो देखिए, मैंने लगा दिया है और इसे कट करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है अंदर से। तो इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए, तो इसे एक प्लेट में इसे
निकाल लूँगी और इसे कट करके दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये सूजी का केक बन के तैयार है। देखिए कितना आसानी से बेटा है। तेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिल